हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो भाई मैं फिर से हूँ कार माइंस पे सोनू भाई के साथ। कैसे हो भाई? भाई आप मुस्कुराते क्यों रहते हो इतना? क्या करें भाई, भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनने को मिलेगी। तो आज अपने पास फिर से है हुंडई ओरा। क्या कर रहे हैं भाई इसके अंदर? हम भाई इसके अंदर अगर बात करूँ मैं तो स्टीयरिंग चेंज है। अच्छा, जो कि डुअल टोन में होने वाला है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ओके, सीट कवर है डुअल टोन में है। अच्छा, सेम जो ब्लू और व्हाइट डिजाइन हमने बनाया वही डिजाइन है, बट कलर आज डिफरेंट रहने वाला है इसके अंदर। बहुत अच्छी, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी ब्लू है ना, ब्लू कलर की गाड़ी है। और इसके अंदर डैम्पिंग है, वो नीचे फ्लोर है, डोर है, डिक्की है, सब कुछ डबल। पूरा इंटीरियर डैम्प कर रहे हो आप इसका? डिक्की भी डैम्प होगी? हाँ, डिक्की भी डैम्प है। ठीक है, डिक्की भी डैम्प करेंगे। उसके बाद में अगर इसके अंदर मैं बात करूँ और जो होगा नीचे फ्लोरिंग होगा। ठीक है, लेदर वाली जो वाटरप्रूफ होती है वो रहने वाली है, और जो चीजें वो मैं बताता रहूँगा। अच्छा भाई, इसके अंदर हम क्रूज कंट्रोल कब लेके आ रहे हैं? भाई क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन बहुत जल्दी आने वाला है, वो भी इवन आ चुका है, वो बस वो इंस्टॉलेशन करनी बाकी है। तो किसी भाई को अगर इंस्टॉल हो जाए है ना, कॉन्टेक्ट कर लेना भाई को अगर क्रूज कंट्रोल आपने इंस्टॉल करवाना। तो भाई बात करते हैं इसकी हेडलाइट और फॉग लाइट की। तो इसमें हेडलाइट और फॉग लाइट में क्या डाला है? हेडलाइट फॉग लाइट अपनी नॉर्मल रहने वाली है भैया की, इसमें okay. कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस है वो अंदर ही हो रहे हैं, क्योंकि भैया को अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, अदरवाइज ये गाड़ी अपने। आपने मुझे बोला था कि कल जाएगी गाड़ी, बट भैया अर्जेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो जाएंगे। इसलिए जो जो काम अभी है वो सिर्फ उसमें कम्प्लीट करेंगे, अंदर इंटीरियर का, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट टाइम में होंगी। तो ये हो सकता है कि हमारे पास गाड़ी दोबारा आ जाए तो हम इसे फिर से दोबारा दिखा देंगे, बट फॉर टाइमिंग के लिए अभी जो काम हो रहा है वो अंदर मैं डैम्पिंग दिखा देता हूँ। और भाई इसके साइड मिरर वगैरह भी चेंज कर रहे हैं इसके अंदर? साइड मिरर भी इसमें नॉर्मल अपने जो आते हैं अंदर से एडजस्टेबल वही लगे हुए। अच्छा, ये सब उसी टाइम होगा क्योंकि उन कामों में टाइम लगता है भाई। अच्छा, तो फोल्डिंग मिरर हो गया, लाइटें हो गई या अंदर एंबिएंस लाइटिंग हो गई, इन सब चीजों में टाइम लगता है। इसलिए भैया कह रहे हैं मैं को अर्जेंटली निकलना, तो ये नेक्स्ट टाइम में ही सारा काम है। चलो कोई बात नहीं, तो ये फैमिली कुछ इशू इसका आ गया है तो इस चक्कर में इनको जल्दी जाना होगा। कोई बात नहीं, बाकी अंदर दिखाए थे डैम्पिंग क्या, कौन सी कंपनी की डैम्पिंग कर रहे हो भाई? क्विक सोनिक की, देख सकते हो भाई। ये देखो पूरा फ्लोर डैम्प हो रहा है, अभी आगे की जो सीट है वाला पार्ट है हो चुका है, पीछे वाली सीट का पार्ट अभी हो रहा है और इधर वाली का भी होना बाकी है। बाकी इसकी सीटें वगैरह ना भी सारी हटी हुई है, कुछ इस तरीके का इंटीरियर है। तो जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है सेम उस तरीके का आपको डैम्प मिल जाएगा ये वाला, अभी थोड़ी देर में सारा कुछ हो जाएगा। और इंटीरियर में जैसे जैसे जो भी सीट कवर लग रहे हैं, जो भी कलर डिजाइन चेंज हो रहे हैं वो भी दिखा दूं। अभी भाई किसी सीट में चढ़ा है कोई सीट कवर वगैरह चढ़ा है कुछ अभी? नहीं, अभी रेडी हो रहा है। रेडी हो रहा है, ताकि क्यों बना के लगाओगे तो रेडी हो गए होगा ना। चलो बहुत अच्छी बात है। ये अर्टिगा में लगा रहे हो क्या, आवाज जो आ रही है? बिल्कुल भाई, ये अर्टिगा में लग रहा है। ये तो बहुत पुराना वाला याद कर दिया। वो अंकल जी हैं, अच्छा जी ने बोला है मेरे को रिवर्स साइरन चाहिए तो वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस साइड भाई अर्टिगा भी हो रही है अपनी पूरी फुल्ली मॉडिफाइड, और यहाँ पर हो रही है ओरा। बहुत बढ़िया चीज है, दोनों ही गाड़ी में भाई एक्सपर्ट हो रहे हैं ना धीरे धीरे। और साइड मिरर भी अगर किसी भाई को चाहिए तो मैं अभी आपको ना अंदर दिखा देंगे भाई एक बार। साइड मिरर भी दिखाऊंगा, इसकी फॉग लाइट भी दिखाऊंगा, सीट कवर के ऑप्शन भी दिखाऊंगा। अच्छा, फॉग लाइट में क्या मतलब? पूरा फॉग लाइट ओरिजिनल वाला है कैसे? फॉग लाइट भाई डीआरएल है, डीआरएल पूरा बैजल निकाल के बैजल ही इंस्टॉल हो जाएगा पूरे डीआरएल वाले। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो भाई इसको ना कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। देखो ठंड का टाइम है तो ऐसे हीट वीट करके लगानी पड़ती है ताकि आपकी गाड़ी में फ्यूचर भी कोई दिक्कत ना आए। सही कह रहा भाई? बिल्कुल भाई। हीट क्यों करते हैं भाई इसको? हीट इसलिए करते हैं ताकि ये जो हम फोल्ड करते हैं ना कई जगह कर्व होता है। अच्छा, अच्छा, तो बैठती नहीं है, हीट मारने से वहाँ पे बैठ जाएगी। गर्मियों में आराम से बैठ जाती है ना, गर्मियों में आराम से बैठ जाती है। चलो यहाँ पे थोड़ी सी हमें करनी पड़ती है मुशक्कत अगर आप लोगों को सही काम करके देना है, वरना चिपकाने वाले लोग तो ऐसे ही पेल के दे। बिल्कुल भाई, वो काम नहीं अपने पास, काम है। दो घंटा बोलेंगे तो तीन घंटा लेंगे भाई, ये हमारी आदत है पहले ही बता दें। लेकिन काम जो होगा ना वो जेन्युइन होगा, पूरा प्रॉपर तरीके से। जब तक हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जब तक आपको नहीं भेजा। मेरे ख्याल से ये टॉप एंड वेरियंट है, पुश बटन वाला वेरियंट है, और इसके अंदर आपको सिलेंडर वगैरह भी मतलब सीएनजी वाला वेरियंट है अपना टॉप एंड। काफी अच्छा काम इस गाड़ी के अंदर भी हो जाएगा। वैसे इसके अंदर बहुत अलग लेवल का काम होने वाला था, बस संभव नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी होगा वो हम आपको दिखाएंगे ना। चलो भाई कंप्लीट होने देते हैं एक बार इस गाड़ी को। तो भाई गाड़ी की जो पूरी की पूरी डैम्पिंग है ना वो तो लग चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरे में डैम्प हुआ, मतलब आगे से पीछे तक हुआ है। अब ये वापस से इसके ऊपर ना इसको कवर कर रहे हैं। ये कौन सी क्या है भाई, फ्लोरिंग कौन सी है भाई? हमने पहले जो ओरिजिनल कारपेट होता है कंपनी का ये फिक्स किया है। अच्छा, अब इसको फिक्स करेंगे, उसके ऊपर ये अपनी डाई वाली फ्लोरिंग रहने वाली है, ये इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी डैम्प है जो अपना यहाँ से लेके पूरा स्टेपनी कवर वगैरह पीछे तक है पूरा। तो पीछे दिखाई देगा हमें यहाँ पे? बिल्कुल दिखाई देगा। एक बार खोलना इसकी डिक्की, खोलना, खुली हुई है। ये देखो भाई यहाँ तक तो डैम्पिंग कोई करता भी नहीं है, इतना पीछे तक लोग आगे तक ही सीटों तक ही करते हैं। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई, हमने जो करा ना एक जिसे कहा था ना कि साउंड प्रूफ, तो वो चीज करिए फुल साउंड प्रूफ। और ये यहाँ पे भी हो गई, नॉइस भी नहीं आएगी ये कम्प्लीटली। लोग वैसे क्या करते हैं
चारों दरवाजे ये मार दिया, जहाँ से हमने दिखाया ना ऊपर का पोर्शन, वहाँ से आगे आगे मार दिया। और हमने भाई ऊपर आउटर में भी चढ़ा के लिया हुआ है। अच्छा हाँ, क्लच पैडल वगैरह होता है ना उसके अंदर, वो सारा कुछ डैम्पिंग करी हुई है। गया देखो ऊपर की साइड में, यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से डैम्पिंग की गई है। डैम्पिंग की खास बात ये होती है, देखो एक तो होता है छोटे छोटे टुकड़े लगा के कर देना खत्म, और एक होता है कुछ इस तरीके से पूरे को पैक करना। और ये देखो यहाँ पे स्टपनी का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी भाई ने करा, और आवाज ना काफी ज्यादा वैसी हो गई, आपको समझ में भी आ रही होगी, मतलब सुनसान सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है गाड़ी के अंदर घुसने से ना एकदम म्यूजिक क्वालिटी भी बदल जाएगी, बदल जाएगी। उसके बाद अपनी जो रोड ग्राउंड क्लियरेंस जो आवाज होती है ना रोड वाली आवाज एकदम जीरो हो जाएगी। चलो भाई ये देखो कितना वाला सिलेंडर लगा था उन्होंने, उसमें तो पतला सिलेंडर होता है, ये उसमें इसमें मोटा होता है दोनों 14 किलो की दोनों ही। चलो भाई भाई गाड़ी का पूरा फ्लोरिंग वाला सीन कंप्लीट ही है, ठीक है। इसके अलावा गेट को देख लो भाई, सभी गेटों के अंदर डैम्पिंग भी हुई थी, मतलब पूरी गाड़ी ये आगे से पीछे तक हर जगह से डैम्प हुई है, सभी गेट भी डैम्प हुए हैं। क्विक सोनिक की जो भाई पहले अर्टिगा में लगाते थे, ऑरा में भी लगाई थी, तो इस वाली ऑरा के अंदर भी हमने यही वाली इंस्टॉल करी है। तो प्रॉपर जो अपनी है रोलर की तरीके से जैसे करते हैं ना रोलर मार के बढ़िया वैसे करके पूरा बिठाया, और काफ़ी बढ़िया तरीके से है। इसकी जो कंपनी वाले स्पीकर है ना, इसकी आवाज़ भी इनहेंस हो ही जाएगी जब ये लग गया, और ये साइलेंट भी हो जाएगी गेट की साइड से भी, और इसमें दोनों साइड हुई होगी, इस साइड में भी हुई होगी, ये पूरा ठोस हो चुका है। सो गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है गाड़ी भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई इन गाड़ियों को अच्छी तरीके से रेडी करने में, तो कार माइंस जो वो काफ़ी अच्छे से काम करता है अपना। बात करते हैं भाई इसके फ्रंट साइड से, तो फ्रंट में भाई इसके अंदर हमने अभी कुछ इंस्टॉल नहीं किया, नहीं तो इसमें क्या पहले वैसे हम अपग्रेड क्या कर सकते हैं इसके अंदर? इसमें अगर अपग्रेड की बात करें हम तो सबसे पहला ऑप्शन दूंगा मैं फॉग लाइट DRL। अच्छा फॉग लाइट DRL मेरे पास आ चुका है। हाँ जी भाई, तो अभी एक बार मुझे फॉग लाइट वाला DRL दिखा देना। DRL भी दिखाएंगे अपने, ठीक है। और इसके साइड मिरर ऑटो फोल्डिंग वगैरह वो भी दिखाएंगे, साइड मिरर ऑटो फोल्ड हम पहले भी लगा चुके हैं, तो आप लोगों को वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं एक बार गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या काम किया, बाहर भी कुछ काम हुआ इसके अलावा कोई क्रोम आइटम एंड ऑल? सिर्फ अंदर ही हुआ, अंदर ही हुआ, तो एक बार उस साइड से आप भी अंदर आ जाओ। सो गाइस प्रेजेंटिंग यू एक नया सीट कवर बढ़िया वाला, जो कि भाई पहले हमने करा था, कौन से कलर में था पहले भाई? भाई पहले हमने करा है ब्लू और व्हाइट में, ब्लू और व्हाइट में, और अब ये वाले कलर हो गए हैं, कौन से कलर बोलेंगे भाई इनको? व्हाइट, और अपने ये है भाई चॉकलेटी में, चॉकलेटी, ठीक है कॉफी कलर हो गया अपना। और भाई बात करते हैं इनकी क्वालिटी की, तो सेम क्वालिटी रहने वाली भाई है? सेम क्वालिटी है भाई। भाई एक बार पहले आप तो पूरे सीट कवर चेकआउट करोगे, देखो कितने ज्यादा स्पोर्टी लुक दे रहे हैं, जैसे ब्लू वाले थे सेम उसी तरीके से, पर भैया की जो डिमांड थी ना वो ये थी कि इनका कलर चेंज करा जाए, तो ये बस अब भाई लोग ही डिमांड लेके आते हैं जो हम पूरी कर देते हैं ना, उससे गाड़ी भी अच्छी लगती है। तो इस गाड़ी का जो कलर है वो ऑलरेडी ब्लू था जैसे कि आप देख पा रहे हो, बट यहाँ पर अगर हम सीट कवर भी ब्लू कर देते हैं तो कुछ ज्यादा ही बेकार से लगते हैं। बिल्कुल भाई, वहाँ पर कलर और ज्यादा एक्स्ट्रा ब्लू हो जाता है। हाँ। इसीलिए हमने इंटीरियर चेंज किया, अंदर से मैचिंग कराया अपना, ठीक है। तो भाई देख सकते हो भाई ये क्या क्वालिटी है, सीट कवर की कौन सी क्वालिटी होगी भाई? इम्पोर्टेड लेदर है अपना। अच्छा, और इसमें लेमिनेशन, फुल लेमिनेशन रहने वाला है, फुल लेमिनेशन कपड़ा है, आगे पीछे ये जो हुआ है ना फुल लेमिनेशन में अपना, और इसके अंदर एक्स्ट्रा फोमिंग भी की गई है भाई। अच्छा, 7 ईयर की इसकी वारंटी है, कहीं से भी कटे फटे, ठीक है, कोई स्टिचिंग खुले पपड़ी निकले उस चीज की है, ओके, ब्लेड से कटेगा आपके उससे कटेगा उसकी कोई नहीं होती है, ऐसे बैठ के अगर पपड़ी निकल जाए 7 ईयर में तो मैं कहता हूँ रिप्लेसमेंट है, नया पीस डाल के दूंगा आपको। बहुत बढ़िया भाई, देखो ऊपर से नीचे तक बार आपको चेकआउट कराता हूँ, यहाँ देखो ऑरा की ब्रांडिंग भी मिलेगी आपको। और अगर किसी भाई के पास नियोस है, बिल्कुल जैसे कि तुम्हारे भाई के पास नियोस है, ये खड़ी हुई अपनी नियोस, तो इस नियोस के अंदर भी काम हो रखा है बढ़िया, तो भाई नियोस का क्या कहना है? भाई नियोस में भी मतलब ऐसे ही सेम डिजाइन जो ओरा में देता हूँ ना, यही मैं नियोस में भी दे दूंगा, यही मिल जाएगा ना, अच्छे लेवल में और अच्छी क्वालिटी में जबरदस्त। भाई बात करते हैं तो इसका जो इंटीरियर है ना इस गाड़ी का, सेम एज इट इज, अंदर से तो नियोस ही है, बिल्कुल नियोस और ओरा सेम है, बस इसके अंदर एक डिक्की का फर्क पड़ जाता है, और डिक्की का फर्क, सीटों का फर्क है, बिल्कुल सीटों में जैसे आता है ना ये सेंटर आर्म, थोड़ा सा सीटों में कहीं फर्क आ जाता है। अच्छा, और अपने डिक्की का फर्क आता है, बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी कोई फर्क नहीं है, बट ये है कि आपको जब सीटें बना के देंगे तो हम उसी गाड़ी के हिसाब से बना के देंगे, जो कि भाई देख लो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अगर पीछे की सीट की बात करूं तो ये भी देख लो भाई, कहीं कुछ अगर लग रहा हो आपको तो आप लोग कमेंट करके बता देना, जो हमारे सोनू भाई है वो सारे कमेंट पढ़ते हैं। बिल्कुल भाई, कुछ कहना चाहोगे भाई हमारे बंदों के लिए जो कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई देते हैं? ये कहना चाहूंगा वीडियो आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें भाई। कमेंट से हमें पता लगता है कि हमारा काम कैसा है, हमने किस क्वालिटी का काम करा है, किस लेवल का काम करा है। अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है
तो भाई एक शिकायत न करके ना मुझे सजेशन दीजिए कि सोनू भाई आप इसे ऐसे ये अच्छा ऐसे अपग्रेड हो सकता है, ये अच्छा अपग्रेड होगा ठीक है भाई, मैं वो भी नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि हम लोग इतनी गाड़ियां नहीं करते जितनी आप घर बैठ के वीडियो देख लेते हो राइट। तो सब में आप लोग ना हर एक कोने का काम आप देखते हो, आप मुंबई का देखते हो, आप दिल्ली का देखते हो, हैदराबाद का देखते हो, हर एक कोने का आप जो गाड़ी लोग तैयार कर रहे हैं आप लोग देखते हो। तो कुछ इस तरह की गाड़ी अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ भी अगर आपको कमी नजर आती है तो आप लोग उसे सजेशन दो अपना। और एक बार स्टीयरिंग भी देख लो भाई, इसका स्टीयरिंग भाई कौन से कलर में दाब हुआ है? स्टीयरिंग यही हुआ है अपना भाई, कॉफी ब्राउन में और ब्लैक में, मून डिजाइन। अच्छा मून डिजाइन में हुआ, देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ये वाला भी काफी अच्छा लग रहा है भाई, दो कलर में हुआ है अपना और स्टीयरिंग मतलब बढ़िया ही लग रहा है। बाकी इसके बटन वगैरह तो पहले से कंपनी देती है, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है, पुश बटन वाला। टॉप एंड बोले तो ये बिल्कुल टॉप था, क्योंकि इसमें अलॉय वगैरह तो डले हुए हैं, सब कुछ है, सब कुछ है इस गाड़ी के अंदर, फुल्ली लोडेड थी। बाकी इसका जो आर्मरेस्ट है भाई, एक बार आर्मरेस्ट खोल के दिखाना, आर्मरेस्ट की जो क्वालिटी है ना भाई, खुलने के बाद ही पता चलेगी। ये देखो भाई, ये क्वालिटी है कुछ आर्मरेस्ट की, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। ये देखो ठीक है, चारों तरफ से बढ़िया लग रही है। और भाई इस गाड़ी के अंदर हमने कर दी पूरी गाड़ी को डैम्प, बिल्कुल भाई। तो डैम्पिंग से क्या क्या हो जाता है, अब आप क्लियरली से बताओ हमें, कितना टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में, क्या क्या रहता है? डैम्पिंग फुल डैम्प करें, जो कि आज इस गाड़ी में हमने करा है, मतलब पूरा बेस आगे से लेके पीछे डिक्की स्टेपनी वगैरह निकाल के सारी चीजें, ऊपर की डिक्की हो गई, चारों दरवाजे हो गए डबल लेयर, ये पूरा करते है ना भाई, तो इसमें तकरीबन कम से कम आप मान के चलो 5 से 6 घंटे। सीट कवर वगैरह, सीट कितनी लग जाती है इसके अंदर टोटल भाई? इसमें सीटें अकॉर्डिंग है कि अगर पूरा करवाते हैं एकदम ऊपर से लेके ग्लोव बॉक्स से और नीचे तक अगर पूरा प्रॉपरली करते हैं, 27-28 सीटें इसके अंदर लग जाती है, सीटें लग जाती है। दरवाजों में डबल लेयर होता है प्रॉपर, कहीं से कोई कोना वगैरह मतलब कुछ छूटेगा। एक बार आप कुछ करके दिखा रहे थे यहाँ पे, ये पूरा अपना हैवी हो चुका है, ये डोर है आप इसकी आवाज सुन सकते हैं ठीक है। अगले डोर पे चलते हैं ठीक है भाई, इसकी भी आवाज सुन सकते हैं ठीक है। और ये आते हैं फेंडर पे, इसकी भी आवाज सुन सकते हैं, ये तो खोखली वाली आवाज होगी। ये आगे ना अब कुछ भाई बोलेंगे कि ये फेंडर की ही आवाज है, तो मैं पीछे भी दिखाता हूँ भाई, जो डिक्की पोर्शन है ना आप उसकी भी आवाज सुन लो, आप उसकी भी आवाज ये वाली करना एक बार। ये भाई डैम्प है, मतलब इस कोने पे भी मारोगे ना कहीं भी सेम सेम पूरे में हम डैम्पिंग करते हैं, प्रॉपर करते हैं भाई ठीक है। मतलब ये नहीं कि बीच बीच में लगा दिया आपको दिखाने के लिए, ऊपर पैक कर दिया, अंदर भी प्रॉपर डैम्पिंग होगी भाई ठीक है। हाँ जी, तो ये काफी बढ़िया बात है भाई, आपकी गाड़ी जो है वो फुल्ली डैम्प हो चुकी है। उस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी कंपनी से अलॉय आए थे और इस वाली गाड़ी अंदर हमने इंस्टॉल करवाए थे, तो ये गाड़ी आपके लिए मतलब तैयार, ये भी हमने करवाई थी। इसके अंदर भी हमने एम्बियंस लाइट्स वगैरह लगा रखी है, सारी लाइट है, सीट कवर है, ये सारी चीजें, सारी चीजें। अगर आपकी गाड़ी के अंदर फॉग लाइट नहीं है तो आप फॉग लाइट भी लगवा सकते हो, फॉग लाइट इंस्टॉल हो जाएगी, नियोस की भी डीआरएल मिलेगी, ओरा की भी डीआरएल मिलेगी ठीक है, सारी चीजें मिलने वाली, सारी चीजें मिलने वाली है। तो ये थी भाई कुछ इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन, कुछ रह रहा है भाई इस गाड़ी के अंदर, लाइक एक बार मैं फ्लोर दिखा देता हूँ आपको, जो भाई ने यहाँ पे फ्लोरिंग करी है ना नीचे, ये देखो ये है डाई वाली फ्लोरिंग ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आगे से लेकर बिल्कुल यहाँ से होते हुए ना बिल्कुल पीछे तक जाती है, एक बार पीछे वाला गेट खोल दो भाई, ये देखो ये है अपना पीछे वाला, तो ये कुछ फ्लोरिंग आपको देखने को मिल जाएगी पीछे की साइड में। और ये अपनी सीट्स, जो कि भाई काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, एक इंटीरियर अलग ही लग रहा है। एक होते हैं सीट कवर बने बनाए लगाना, जो कि मार्केट में घिसे पिटे चल ही रहे हैं, वही है ना सभी लगाते हैं। एक होता है कुछ अपने तरीके से चॉइस से लगा लेना, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन गाड़ी ऐसी बन जाती है आपकी कि लगती है अच्छी। अगर भाई आप टाइम दे के काम कराते हो ना, तो जैसा कि ये वीडियो में देख रहे हो ना, ऐसी चीज मिलेगी आपको। अदरवाइज मार्केट में जाओगे रेडी तो हर किसी के पास होता है भाई, रेडी तो कोई भी लगा देगा, और वो उसमें कौन सा कपड़ा लगा ये भी नहीं पता होता, नहीं पता होगा। एक जिसे कहते हैं ना कस्टमाइज करना, वो कस्टमाइज ये है भाई, ऐसा लुक निकल गया है कस्टमाइज करने के बाद। और यहाँ पर आपको पीछे एक पॉकेट भी मिल जाती है अगर आप कुछ सामान रखना चाहते हो, तो ये विदाउट जिपर वाली होती है, तो ये अच्छी है। जिप वाली जो होती है खराब हो जाती है उसकी जिप, भाई जिप वाली होती है नॉर्मल, जैसे यूज करते हैं ना कई बार करेंगे तो वो कभी ना कभी जिप खराब हो ही जाएगी ठीक है। इसमें क्या है, इजीली अपना रखा निकाल लिया, कोई खराब होने की वही नहीं है इसमें, तो भाई दिक्कत ही नहीं, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे साइड में पाइपिंग भी करी है आपने, बिल्कुल भाई, इस गाड़ी के अंदर पाइपिंग भी हुई है, यहाँ पे देखो इस साइड में भी हुई है। कुछ लोग कहते हैं पाइपिंग जो है वो नहीं करवानी चाहिए, बट ये है कि इनसे पहले भी होती आ रही थी, लुक आ रही है ना, लुक आ रही है, लुक आ रही है, पहले भी होती थी, वो लोग बहाना मार देते हैं कि मतलब ये चीज ना करवानी पड़े। भाई देखो इसमें करवाने में क्या ना, इन चीजों में टाइम लगता है, टाइम का काम होता है, लोग अपना टाइम बचाने के लिए अपनी चीज बेचने के लिए ना आपको बोल देंगे ये मत करवाओ, ऐसा करवाओ, ये कट जाएगा फट जाएगा।
यार इस पे सिंपल सा हमने बैठना है, उतर जाना है। सही बात है, ये पाइपिंग आ रही है साइड में, पहले भी जो सीट कवर आते थे सब में पाइपिंग आती थी, बट कभी कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे लगा के दी और गाड़ी देखो इन पाइपिंग से ही कितनी ज्यादा खिल के आ रही है। तो अगर बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से कि उनको ये सब कुछ कैसा लगा, बाकी गाड़ी शायद दोबारा आएगी अपने पास? बिल्कुल भाई, 3 से 4 दिन में आएगी। अच्छा, बाकी जो काम इसमें रह गया वो कम्प्लीट होगा सारा। चलो भाई, तो एक बार बात करते हैं इसके ओनर से। सो गाइस, गाड़ी का तो सारा का सारा काम हो ही चुका और यहाँ पर मेरे साथ है भैया। एक बार भैया अपना नाम शेयर कर दो। जी भैया, अमित भैया। कहाँ से आए थे भैया आप? भैया रुड़की से। रुड़की से आए थे आप? जी भैया। कैसे पता चला आपको कार में इसके बारे में? भैया आपकी वीडियो देखी थी। ओके। और मेरे फ्रेंड भी यहाँ करा के गए थे काम। यहाँ करा के गए थे जी। तो भाई सोनू भाई, रुड़की से गाड़ी आ रही है यार। बिल्कुल भाई, देखो मैं यही हमेशा कहता हूँ, क्वालिटी अगर क्वालिटी मेंटेन रखोगे ना भाई तो ही आपके पास काम आएगा। और दूर दूर से लोग इसीलिए आते हैं, सिर्फ एक ट्रस्ट लेके आते हैं कि क्वालिटी का काम मिलेगा। अगर हम क्वालिटी में हेर फेर करेंगे, कुछ और दिखा के कुछ और लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई नहीं आने वाला। इसलिए कार माइंस पे अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और वही रखेंगे भाई। वही रखेंगे, जो बोलेंगे वो देंगे आपको। ठीक है, तो भैया बताएंगे कैसी लगी भैया क्वालिटी? भैया बहुत फर्स्ट क्लास। टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन भैया एक्चुअली हम पहुंचे ही लेट थे, हम आए 3 बजे थे, पर फिर भी भैया ने करके दिया क्योंकि सीट कवर आपके बना के लगाए गए हैं, कोई रेडीमेड लगते तो फिर भी जल्दी काम हो जाता। राइट, तो फ्लोर पूरा डैम करा आपको? डैम्पिंग के बारे में सजेशन कहाँ से कैसे मिला, पहले से पता था? भैया आपकी वीडियो से ही देखा था सबसे पहले तो मैंने की डैम्पिंग करानी चाहिए। ठीक है, और बैठ के लग रहा है कुछ, मतलब फील आया? देखा नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो जब डल जाएगी बताना जरूर कि इस डैम्पिंग से कुछ फायदा हुआ साउंड में या बाहर की नॉइज में कुछ फायदा हुआ, तो इसे शेयर करना। बाकी प्राइसिंग वगैरह कैसा लगा? भैया अभी तो रीजनेबल ही है, बाकी और भैया से बात करते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई फिलहाल के लिए इस वीडियो का इसी तरीके से करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं किसी एक औरा के साथ। टिल देन पीस आउट।